फ्रेंड्स, अभी मैं आपको ले कर चलने वाला हूँ एक बिल्कुल छुपे हुए, बिल्कुल यहाँ का काफ़ी, मतलब कि ये मान लीजिए काफ़ी कम लोग आते हैं यहाँ, और बिल्कुल छुपा हुआ है ये घाट है, और यहाँ काफ़ी शांति रहती, तो आपको मैं लेकर आया हूँ नए घाट पर, क्योंकि यहाँ पर जो सभी छोटे बड़े घाट हैं मैं घूम रखा है, आपको चलिए लेकर चलते हैं। तो ये जगह काफ़ी शांत है, एकांत है, तो आप लोग आइए, बाकी आप लोग देखिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मैं आ गया हूँ एक नए घाट पर, और ये अभी घाट नया नहीं, ये काफ़ी एकांत में, आपको ब्लू टीला के बगल में आप नीचे जब तक जाए तो आपको पड़ जाएगा, आप लेफ्ट हैंड पर घूमना पड़ता है उसी जगह पर, ये काफ़ी छोटा सा घाट है, देख सकते हैं, काफ़ी एक शांत रहता है, एकांत बल रहता है, सबसे अच्छी बात है यहाँ पर सुकून बहुत मिलता है। आप चाहे दिन में आइए चाहे इतने टाइम आइए, चलने के साथ साथ काफ़ी मौसम अच्छा हो गया है, और ये देखिए हमारे पीछे दो मंकी बंदर भी हैं, पर आपको जगह काफ़ी अच्छी है, आप आइए एकदम से एकांत है, मज़ा आ जाएगा, और दिन में आइए, यहाँ मौसम हमेशा ठंडा रहता है, आप चाहे जिस टाइम पर है, एक पेड़ है और जगह मिल जाती है, गंगा जी का किनारा है, तो काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल शांत माहौल मिलता है, आकर देखिए। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे दिखता है जगह पूरी। आप देखते हैं हवा काफ़ी देर यहाँ चल रही है, हवा यहाँ अक्सर चलती रहती है, इस समय तो मतलब कि हवा आंधी आई हुई है तो चल ही रही है, पर वैसे भी यहाँ पर हमेशा आपको ठंडा मौसम मिलेगा। और ये है गंगा बचाओ दृढ़ संगम, अविरल गंगा निर्मल गंगा का बोर्ड, ये हमारा है गणेश धाम, दार्शनिक सिद्ध गणेश मंदिर, ये गणेश जी का यहाँ पर मंदिर है, ये यहाँ पर आपको अगर नाव से घूमना है तो यहाँ पर नाव भी खड़ी मिल जाएंगी, आप लोग आइए यहाँ पर नाव से आपको यहाँ ले जाते हैं, और काफ़ी कम काफ़ी सस्ते में आपको पूरे नहर पूरे गंगा जी का घुमा कर दिखा देते हैं, तो आप लोग आकर यहाँ पर आराम से घूम सकते हैं। और ये देखिए अभी बंद है क्योंकि शाम का टाइम, अभी पूरी आरती के टाइम पर सब खुलेगा, आरती हमारी यहाँ पर 7 बजे होती है, तो ये रहा हमारा श्री दक्षिण मुख हनुमान जी मंदिर, ये देखिए हनुमान जी मंदिर है, इन बंदरों का होना तो स्वाभाविक है, तो ये हमारे बैठे हैं कैमरे में काफ़ी अच्छे पोज देते हुए, बाकी साइकिल मेरी ये खड़ी है, और आप ये देखिए कितना आराम से, आप यहाँ पर आइए आराम से बैठिए, वो देखिए नाव से भैया आ रहे हैं, इस जगह पर मैं काफ़ी बार आकर बैठता हूँ जब अकेले कभी भी आना होता है, यहाँ पर आकर आराम से बैठ कर इस जगह पर जो शांति का बिल्कुल इतना बिल्कुल मन को तृप्त करने वाली जगह, तो ये वही जगह है, बाकी आप लोकेशन देख सकते हैं पूरा आसपास। चलिए मैं अभी यहीं पर बैठूंगा, और ये देखिए ये रहा हमारा पुल बगल में, तो ये है मेरी सबसे बेस्ट जगह, मैं सच बताऊँ तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद जो जगह वो यही है, क्योंकि तो यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आते, ज़्यादा कोई परेशान नहीं करने वाला होता, आराम से आइए मस्त बैठिए, कोई दिक्कत नहीं होती है, ना कोई परेशान करने वाला हो, देखिए साइकिल भी मेरी खड़ी है, ना लॉक्स लगाया ना कुछ, आराम से मस्त खड़ी है, बाकी इस जगह पर आप आराम से आइए, यूँ बैठ जाइए और बाकी जगह के नज़ारे लीजिए, मज़ा आता है काफ़ी, एक तो सबसे अच्छी बात है इस जगह की ये है, यहाँ शांति बहुत है, शांति है, माहौल बहुत ठंडा रहता है, तो आप लोग आइए इस जगह पर, अगर आपको आना है तो ध्रुव टीला के जस्ट बगल में है, तो आप लोग आकर इस जगह को एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, फिर आप लोग कमेंट में बताइएगा ये जगह कैसे थी और कैसे नहीं।